Okay.
ventilation, extracting layers. तुमने अभी अपनी पूरी यूनिट को उड़ा दिया। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं हो ट्रूपर। लगता है वो सच में जख्मी है। नहीं वो ठीक है। ऑटोमेटिक कटआउट, कोई गहरा जख्म हो तो तुरंत सिस्टम बता देता है। रूल्स तो तुम जानती हो, गलती करो तो सजा भी भुगतो। अरीना में बूबी ट्रैप्स होंगे, ये वार्निंग हमें नहीं मिली थी सर्जेंट। वार्निंग? तुम स्पेशल फोर्सेस नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली हो। अब निकलो यहाँ से, खेल खत्म हुआ। मुझे उसे कुछ देर के लिए रोकना पड़ेगा सचिन। ठीक होना चेस। यस सर। 10 मिनट में बाहर। बाकी सारों ने अच्छा काम किया, अब सब जाओ और अच्छे से वीकेंड मनाओ। मैं ठीक हूँ। सचिन वो सब क्या चल रहा है? मशीन चेक करो। बड़ा मजा आएगा, छुट्टियां मिल चुकी है। My job is not to give you an easy ride. This milk, cowboys. All right. जब तुम वहाँ थी तो तुम्हें कभी ऐसा लगा होगा कि ये सिमुलेशन है, right? जैसे कि उस बंदे को खत्म करने से पहले तुम हिचकिचाई थी, मगर फिर Please, तुमने सोचा कि यही सच है और मैं बस उनको मत बताओ, ठीक है? बिल्कुल नहीं। मेरा काम है तुम्हारे दिमाग को सिमुलेट करना और टारगेट का काम है तुम्हें एक किलर मशीन बनाना। थैंक्स। काम हो गया? यस मैम। अच्छा तुमने ऐसा किस लिए किया? किस लिए क्या विक्टर? तुम्हारा घुमा घुमा के बात करना। कहीं तुम उसे हमारे साथ ले जाने की बात तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं, 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 बात ये है कि तुम उसका हाथ करीब करीब उड़ा ही देते और वो वापस आ गए, राइट? और मैंने तुम पर एक एहसान किया है। मेरा मतलब मुझे बताओ कि तुम उससे मिलते रहने से छुटकारा कैसे पाओगे? ओ, हमारा कोई प्लान वैन नहीं था। आज फ्राइडे नाइट है दोस्त, वो स्पेशल फोर्सेस में होगी लेकिन औरत भी है और वो तुम्हारा गलत फायदा उठा सकती है। भाड़ में जाओ। ओ, ठीक हो जाएगी, यकीन मानो। मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, मेरा मतलब अपने आप को देखो, हालत खराब हो रही है। तुम कल उसे मना लेना, मगर अभी हमें अपना काम पूरा करना है। ओके। All right, तुम लोड करो, मैं फोन करता हूँ और जितना हो सके जल्दी करो। टॉम, बोट पैक तुम्हारे बगैर बिल्कुल अकेला लगता है दोस्त। ए, सुनो दोस्त, मैं आज रात कुछ एक्सरसाइजेस लेने वाला हूँ ऑफ बेस रिमोट लिंक, तो मुझे तुम्हारे सपोर्ट टीम की जरूरत पड़ेगी और सिस्टम ऑन रखना पड़ेगा। क्या ये तुम्हारा और एक बकवास सा एक्सपेरिमेंट तो नहीं है ना? नहीं, 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 ये बस अपना रेगुलर स्ट्रीमिंग गेम है, सिंपल सा। मगर सुनो, मैं इसे आखिरी हद तक ले जाऊंगा और अगर कोई रीडिंग्स अजीब सी लगी तो फिक्र मत करना और चीफ को मत बताना। कूल, ये उधार रहा। हे हे, सुनो, सॉरी, मैंने आज की शाम खराब कर दी। वैसे पता है हमने कोई प्लान नहीं बनाया था, मगर लेकिन क्या कर सकते हैं। तो जेस, मैं भूल गया था, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? ऑल राइट, हाँ, ये ठीक है अभी, बस मुझे थोड़ा सा शॉक लगा था। और आई एम सॉरी अबाउट दैट। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, देखो अब मेरे पास दो हाथ हैं, सही सलामत। तो आज रात का क्या प्लान? पता नहीं, आज के लिए मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, शायद बेनी के साथ कुछ। हाँ, लेन ने एक सेटअप लगाया ऑफिस में, हम उसे देखने जाएंगे। ओह नो, गीक्स नाइट आउट। हाँ, गीक्स नाइट आउट। कोई और प्लान तो नहीं ना? नहीं, नहीं, आई मीन यू नो
ओके चलता हूँ। वो स्टेडी। हाँ ओके। शायद तुम्हें निकलना चाहिए। क्या मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ? हाँ तुम मुझे बाद में फोन करना। हाँ शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े। हाँ ऑलराइट चलो। वो बाद में फोन करने वाली है। तू जिंदगी में कभी लड़की पटा नहीं सकता है। टैगेट का क्या मतलब था इस क्रेजी एक्सपेरिमेंट से? नहीं वो दिमाग से सनकी है, सभी है। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सब क्या है। सही बंदों की कदर सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। बिल्कुल सही, इसीलिए तो तुम मेरे साथ। तो तुम ही बताओ। ये कोई मजाक है क्या? हाँ ये मजाक ही तो था। टॉम बेनी, बेनी टॉम। अमेरिकन वेक राइट? बकवास। नहीं मैं ओरिजिनल हूँ और ये ऑस्ट्रेलियन का है। मुझे बुरा लगा। अच्छा तो तुम लेकर आए हो। सवाल ये है तुम्हारे पास है, समझ रहे हो ना? बिल्कुल है। क्या लोग सच में तुम्हें पैसे देते हैं अपने आप को गेमिंग में हायर लेवल तक ले जाने के लिए? तुम मजाक कर रहे हो और तुम इसे काम कहते हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मास्टर से ही मिल लो। और तुम चाहे जितना हंस लो, मैंने अभी तुम्हारा GTA का हाई स्कोर क्रॉस कर ही लिया है। मैं आज पूरे फॉर्म में हूँ, तुम्हारे इस गेम को पता भी नहीं चलेगा कि किससे पाला पड़ा है। यहाँ जेल में तो कोई नहीं है, सोचो रोज रात यहाँ अकेले फंस जाना कैसा होता होगा। क्या सिक्योरिटी गार्ड है? हमें यहाँ कितनी देर और बैठना पड़ेगा? क्या हम कहीं और नहीं जा सकते? इसी गंदी जगह पर ही क्यों? दरवाजा खोलो यार। गंदी जगह ही तो हमारे काम आएगी, और एक तो यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है इसलिए जगह हमारी है। वैसे भी यहाँ जो CCTV लगा हुआ है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। बहुत जल्दी आ गए तुम लोग। ओ हाँ, तुमने देख लिया, थैंक यू। इस गंदी सी जगह पर होटल बनने जा रहा है, वो भी 5 stars। गोम्बे, इतनी देर क्यों लगा रहे? दोस्त तुमसे फिर से मिलकर खुशी हुई। तुम तैयार हो आज के लिए? hey. Welcome to the house of fun, boys. मजे करने के लिए तैयार हो दोस्तों? हाँ। Cool space man, ये सच में अनोखा होगा। Hey, सारा सामान तैयार है? कौन सा सामान? Come on man, तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। उस रात पब में तुमने मुझे जो बात बताई थी वो सामान का है। तुम बोल क्या रहे हो? जल्दी चलो ना।
वो जगह कहाँ है जहाँ तुम तर गए? लोग मुझ पर हंसते थे उस बात के लिए, उन्हें लगता था मैं सपने देख रहा हूँ, लेकिन वो लोग वहां होते तो हंसते नहीं थे। मैं तुम पर हंस नहीं रहा हूँ दोस्त, फिक्र मत करो, बस बता दो। तो मैं इसे कहाँ फेंकूं? यहाँ पर नॉर्थ विंग, नीचे वाली लेवल जो टनल से जाती है, और ये सबसे खतरनाक है। ओए सिक्योरिटी, ये गेम के लिए Cheers. Cheers. क्या ये विक कहता है उतना अच्छा है? ये गेम कोई गेम नहीं है दोस्त। इंटरेस्टिंग, हम किस तरह के स्पेक्स की बात कर रहे हैं? अगर तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD नहीं की है तो पूछो भी मत। वैसे तो मैंने जाओ में MA किया है, क्या वो नहीं चलेगा? ऑलराइट, अब यहाँ पर वायर लगा देते हैं और एक जगह वहां पर और नीचे ग्राउंड पर भी। अब मेरा प्यारा असिस्टेंट तुम्हें दिखाएगा क्या करना है। वाओ, ये वो तो नहीं है जिसे हम यूज करते हैं, ये है क्या? उसी के अपग्रेड्स हैं, तुम्हारे कंफर्ट और प्लेजर के लिए। ओ हाँ, बहुत कंफर्टेबल है। इतना भी नहीं कि यहीं खड़े रहो। ओके ये बैग लो। लेन, तुम जानते हो ना क्या करना है, माल ले लो और दफा हो जाओ यहाँ से। तो विकी, अगर यांकी डूडल डैंडी कहता है कि उसके तलवे चाटो तो तुम कहोगे पहले कौन सा पैर? ओ बेनी बॉय, आज रात के काम के लिए तुम्हें भी ऐसा ही करना है। ओए हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेरे नशे में धुत दोस्त टॉम ने ऐसा कहा है। हाँ मगर यार ये डिवाइस क्या काम करते हैं? इस तरह सिस्टम लोकेशन को जांचती है, तो ये ऑलमोस्ट सब कुछ मॉनिटर करेंगे, ज्योग्राफी, टेम्परेचर। काम बन रहा है। वार्निंग, रेजिंग एमर्जेंसी। ये मूवमेंट, टेम्परेचर सबको मॉनिटर करेगा, आयनिक चार्ज, छोटे से छोटा मॉलिक्यूल भी। तो आ जाओ। तुम सिविलेशन बिल्डिंग में क्या करने गई थी? तुम्हें अगर कोई सवाल पूछना है तो तुम बाहर रुक सकते हो। तुम यहाँ सिर्फ एक औरत नहीं हो, तुम एक सोल्जर हो, बाकी सब की तरह। तुम भी तो यही चाहती थी ना? पहले मेरे रास्ते से हटो। अपने यार को ढूंढ रही थी? हाँ, मैं जानता हूं तुम लोगों के साथ सोकर अपना कोर्स पूरा करना चाहती हो। गलत चॉइस, वो गधे तुम्हें पास नहीं करवा सकते, वैसे भी वो प्रॉपर आर्मी नहीं है। मैं हूं असली आर्मी वाला, बेसिक ट्रेनिंग टॉपर, कभी गार्ड नहीं छोड़ना।
जब तक कि तुम मुझे खुश नहीं करती हो एक औरत की तरह, क्योंकि वो मैं कर सकता हूँ। मुझसे सही सही पेश आओ वरना तुम गए समझो, समझे? तुम्हें लगता मैं चाकू नहीं छीन सकता? पलक भी मत झपकटो पर, अगर झपकी तो ये मेरा होगा और तुम भी। पलक तो झपकी वो, ये किस तरह की जेल है लेन? हाँ, ये कोई नॉर्मल जेल नहीं है। ओहो, मेरा मतलब ये 20 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, मगर 9/11 के बाद मिलिट्री ने इस पर फिर से कब्जा कर दिया। जब मैं सर्विस में था तब ये दुनिया के लिए बंद था, पर हम जानते हैं असलियत क्या है। और हे कम ऑन लेन, अब बता भी दो यार, यहाँ पर आखिर हुआ क्या था? तुम लोग जानते हो कि हमारे लोग अमेरिकन के साथ काम करते थे। ओह, सस्पेक्ट्स को दुनिया भर से उठा लाते थे, और जिनीवा कन्वेंशन और बाकी चीजों की परवाह ना किए बिना अगर इंटरोगेशन करना होता तो यहाँ पर लाया जाता था। बकवास। क्या तुम्हारा मतलब रेंडिशन? हाँ, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। तुम्हें पता ही क्या है, अभी वो समझदार हो गए, अब उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। सही है, सही किया उन्होंने। मैं तुम्हारे बेस पर रहता था। क्या, मेरा बेस? हाँ, वहाँ के लोग यहाँ के गार्ड्स थे। अच्छा, मेरे दोस्तों ने मुझे कई बातें बताई हैं। बातें? किस तरह की बातें? हाँ, टॉर्चर, अनजान कब्र और कई बातें। वो यहाँ के सारे प्रिजनर्स को ग्वांटानामो ले गए है ना? सभी को नहीं, कुछ जो यहाँ लाए गए थे वो कभी बाहर ही नहीं निकले। सच में? ये रास्ता इंटरोगेशन सेल की तरफ जाता है, मैं वहां नहीं जाने वाला। नहीं, सीरियसली, हमारी कंपनी का कोई भी आदमी वहां नहीं जाता, वहां जरूर कुछ है। ठंड है, एक अजीब सा खौफ, मौत का खौफ, तुम लोग नहीं समझोगे। तुम कभी आर्मी में हो भी कैसे सकते हो? तुम खौफ के बारे में जानते क्या हो? कम ऑन लेन, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कम ऑन, कुछ अजीब है। ऐसे छोड़ दो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूं। हे सुनो विक, इट्स मी। मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और सच कहूं तो मैं सच में अभी के लिए यहां पर नहीं रहना चाहती, तो मुझे फोन कर लेना। ऑलराइट। ओह नो, पेट डरा दिया। अरे तेरी तो, ये कैसी बदबू है?
जगह आखिरी बार कब यूज की गई थी? क्या तुम्हारे यहाँ इयान सुलिवन काम करता है? मिस्टर सुलिवन? हाँ, करता है। बात यह है कि उसका मोबाइल ऑफ है, आप बता सकती हैं वो कहाँ मिलेगा? हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो मेजर टॉम, अब हम किसके लिए रुके हैं? मॉनिटर सिग्नल्स को बूस्ट करना होगा, इसे ऊंचाई पर लगाओ। समझ गया, उम्मीद है तुम ऊंचाइयों से नहीं डरते हो। क्या तुम लोग ये सारी चीजें बेसमेंट से उठाते हो? हाँ, बिल्कुल। ब्राइट पर हम लोगों ने मिलकर शूट दम आपके लिए स्कोरिंग सिस्टम बनाया था, हमने एक क्रू भी बनाया था। पर भी अगर कोई इंटरनेशनल कंपटीशन होता है तो मजा आता है। विक ने बताया था कि तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। हाँ, हो सकता है हम तुम्हें कोई नई बात सिखा दें। हाँ, बहुत सी बातें। वाह, लगता है तुम लोगों को अपने बारे में बहुत गलत फहमी है। मजाक छोड़ो, एक अमेरिकन होने के नाते इमिग्रेशन पर जब वो पूछते हैं ऑक्यूपेशन, तो क्या कहना जरूरी है? नहीं, मैं तो छुट्टियों पर आया हूँ। तुम बहुत फनी हो। देखते हैं कि जब घोष तुम्हारे सामने आएगा तो तुम क्या करोगे। तब की तब देखेंगे। गाइस, हम लोग तैयार हैं। हेलो, प्राइवेट, सिमुलेशन बिल्डिंग की चाबियां दो। राइट सर्जेंट। ओ, भाड़ में जाओ तुम लोग। ओके ओके ओके, ऑलराइट, अभी कुछ नहीं होगा, कम ऑन। तो तैयार हो ना? स्पॉइल स्पोर्ट। तो दोस्तों, मिराकल मशीन तैयार है ना? तो हम अभी टेम्पोरल लोक को उंगलियों में एडजस्ट करेंगे, जिससे कि दिमाग रियलिटी और फैंटेसी अलग नहीं कर पाएगा। क्या कहा तुमने? टेम्पोरल टेम्पोरल लव, लेकिन ये सेफ तो है ना? रिलैक्स टॉम, ये सैकड़ों बार कर चुका है ना टॉम। सिंपल साइंस को अप्लाई करो, फिक्र मत करो। मेरे हाथों अब तक सब 100 लोग ही पागल हुए हैं, तो मैं कुछ नहीं होगा। क्या है कि तुम लोग जागते हुए सपनों की दुनिया में रहोगे। क्या? कभी कभी लगता नहीं है तुम सपना देख रहे हो? हाँ हाँ, वही लगेगा। लेकिन फिर थोड़ी देर में जब हम ब्रेक्स को छोड़ देंगे तो सपना सच्चाई बन जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो क्या तुम लोग अंदर नहीं आ रहे हो? हमें मशीन पर भी तो नजर रखनी है ना। वैसे हम जल्दी तुम्हें मिलेंगे, ठीक है ना? और ये सच में बहुत मजेदार होने वाला है। देखो, इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा? तुम्हारे जैसे ही दिख रहा है। आओ। सुनो दोस्तों, मुझे फील हो रहा है अब तुम लोग एक अलग दुनिया में जाओगे। तुम्हारे दिमाग को सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। ये तो बड़ा प्रॉब्लम है यार। अब तुम्हें मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देगी और तुम बिल्कुल अकेले हो। वो पेनी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। अनफैमिलियर सिनेरियो, वो बिल्कुल ठीक होगा। तुम दुश्मन के इलाके में फंसे हुए सोल्जर हो, चारों तरफ देखो, लड़ो और सुनता रहो।
फुल पावर, उससे भी पढ़कर। बड़ा मजा आने वाला है। गोलियां चलाए काफी वक्त हो गया, अपने वेपन्स चेक कर लो। ओके, सेफ्टी ऑफ, चला कर देखो। यस ऑलराइट, थोड़े और मजे लेते हैं। अपलोडिंग। मुझे थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट, सोल्जर फोकस। वहां ऊपर दुश्मन पर कब्जा करो। बेनी काउंट कर लो, हमें कुछ जल्दी करना होगा। गेम का लेवल बढ़ाते हैं। किस बात का हंस रहे हैं? मेरे पीछे आओ, चलो चलो, गो गो गो। इट्स डीडब्ल्यू प्रेजेंट्स। अरे ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। नो, चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, उस वीडियो के नीचे देखो। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना डॉम? ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये इसी के लिए बना है। क्या था, कोई औरत थी ना? यहाँ पर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ऑटोमेटिक कटआउट बंद हो गया है। ओ शख्स, लेन मुसीबत में है। कहाँ जा रहे हो? मैं इसे बंद कर रहा हूँ। ऐसा करने से ये और मुसीबत में आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ऐसे छोड़ देंगे तो वो मर भी सकता है। फैसला मैं करूंगा, पहले प्रोग्राम बंद करो। तो तुम भी प्रोग्राम को बंद करो। लेन, 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 होश में आओ। लेन, हमने ये अपलोड नहीं किया था, हमें उन्हें बाहर लाना होगा। लेन, लेन, उठो।
उठो लेन, चलो। तुम ठीक हो? ये पकड़ो, चला लोगे? Shiny fucking blew away. No, mate, that wasn't you. No, Vince may have done that, but not that. ये एस्केप क्यों नहीं हो रहा है? एस्केप! चुप रहो, चुप रहो। एंडिंग सिमुलेशन। आखिर हो गया। एक्सट्रैक्टिंग प्लेयर्स। हे, तुम ठीक हो ना? अबे तुम लोगों ने क्या किया मेरे साथ? तुम्हें पसंद आया ना? पसंद आया? अबे ये तो भयानक था, मुझे और चाहिए। हे, ठीक हो ना? हाँ, और नहीं तो क्या। मेरे बेस से इक्विपमेंट गायब हो गए हैं। वो बेस तुम्हारा होगा पर इक्विपमेंट हमारे हैं। देखो ये सिक्योरिटी का मामला है। और तुम्हारा सिक्योरिटी स्टेटस तुम्हें अकेले इस जगह पर आने की इजाजत नहीं देता। फौरन वहां से निकलो सर्जेंट। ये तो बहुत ही स्ट्रांग है। ओ, मैंने तुमसे कहा था ना बेनी बॉय। हाँ, अबे ये तो दिमाग को पूरी तरह से चकरा देता है। मेरी बात मानो दोस्तों। टॉमी, फिर भी हमारा काम कैसा रहा? स्कोर क्या है टॉमी बॉय? स्कोर? नो स्कोर। क्या मतलब? हाँ, वो सिस्टम ने कैलकुलेट नहीं किया, इसीलिए तुम्हें जल्दी निकालना। टेक्निकल ग्लिच आ गया था, वही चेक कर रहा है। यार मैंने इतने सारों को उड़ा दिया था। नहीं, वो तुमने नहीं किया था। तुमने नहीं किया था ये तो पक्की बात है। इसे देख रहे हो, फ्रीज हो गया था ये। इसे कभी असली फाइट में साथ मत रखना। अपनी बकवास बंद करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ सेंसर्स उड़ गए हैं। मैं अभी उन्हें चेंज करके आता हूँ। मेरे आने तक किसी चीज को छूना मत। सुनो गाइस, वहां पर सच में कुछ अजीब सा हो रहा था। मेरी बात मानो तो। शुरू हुआ, अपनी बकवास बंद कर। नहीं, वो गेम का हिस्सा नहीं था। हाँ, हिस्सा था, मगर वहां सच में कोई था। मेरे दोस्त, ये गेम ही था। अब तुम जरा पकाना बंद करोगे? रिलैक्स हो जाओ लेन, ये गेम का एक हिस्सा था, टोटल इमर्जन। मुझे यकीन है कि वहां कोई जरूर था। ये गेम काम कर गया यार, तुम गेम खेल रहे थे। This precious system of yours. Mm-hmm.
क्या सच में ये सीडी रोम रीड करती है? हाँ करती है। ये प्रोग्राम तुम्हारे दिमाग के लिए एक कैटलिस्ट का काम करती है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं 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 पेनी बॉय, नहीं, अभी सिस्टम क्लियर नहीं हुआ है, ये रिस्की हो सकता है। ओह, कितना रिस्की हो सकता है? जरा इसे देखो, ट्राई करके देखते हैं। हे हे, वो नहीं, उसे मत छूना। क्यों नहीं? तुम्हें मालूम नहीं है या अलाउड नहीं? अभी इसी कमरे में रहना ठीक होगा, बाकी जगह ठीक से चेक नहीं हुई। ओके हाँ, ठीक है, ये करना सही नहीं होगा यार। ये कैसेंड्रा बनाना बंद कर दो। क्या बनाना? ओहो, तुम्हें मालूम नहीं? कैसेंड्रा यार, वो एक ट्रोजन प्रिंसेस थी, वो भविष्य देख सकती थी, मगर किसी ने भरोसा नहीं किया। तो तुम कह रहे हो कि किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया मगर उसके पास शक्ति थी? राइट, ये एक गलत एग्जाम्पल था। मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम्हारा मतलब है कि कमजोर दिल वाले कुछ हासिल नहीं कर पाते। राइट, लेट्स रॉक। उम्मीद है लड़कियों को यूनिफॉर्म अच्छा लगता होगा। दोस्त, वो अकेले हैं, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती, तुम्हें पसंद भी कर सकती हैं। अब तुम एक नई जगह जा रहे हो, तुम्हारा मिशन है जो भी जिंदा है उसके साथ सोना, क्यों? ठीक है क्या? सच में ऐसा कर सकते हो? कैरेक्टर दे सकते हो? ओके, तुम्हारा मतलब कैसे कैरेक्टर? जैसे कोई डोमिनेट्रिक्स? हाँ, मैं कर सकता हूँ। That's what I call WM Double D. Perfect, just got better. Come here. Hello, baby. क्या कर रही हो? मजे की बात यह है कि मैं भी तुम्हें यही पूछने वाली थी। लड़के तो लड़के ही रहेंगे। तुमने ये कब प्लान किया? बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर। तुम झूठ बोल रहे हो। किसी को बताना नहीं, ओके? एक मिनट रुको। हाँ, क्यों नहीं? Hey man, मैं बस अभी ऊपर ही आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब सब ठीक दिख रहा है। नहीं 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 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ अजीब पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। कमीना कहीं का? Unbelievable. Yes. Hello.
Christmas. God, our friend is young. तुम्हें परेशान करूं कावबॉय? बेवकूफो, ये प्रोग्राम बंद करो, समझे? रिलैक्स, हम थोड़ा मजाक कर रहे हैं। तुम जानते नहीं हो। जब देखो बीच में आ जाता है। ए, मेरे गेम के बीच में मत आओ। चेस, ओश। तुम बहुत मुश्किल में पड़ गए हो। Once you come over and join us here, love. Boy, Maria. I wanted to let me work in this hall for a couple of minutes, yeah? तुम सब इडियट्स हो। रिलैक्स, बस थोड़ा सा मजाक है, उसे तो देखो। इसके लिए तुमने मुझे नहीं कहा? टेक्निकली हमने मिलना प्लान नहीं किया था। चार्मिंग। रिलैक्स, मैं किसी लड़की के साथ तो नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर तुम इसे क्या कहोगे, बताओ? ओके, ये बेनी का आइडिया था, ये इसका आइडिया था, देखो इसे। कम ऑन, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा लुक जरा सा हटके है। ओ, तो तुम्हें शर्म भी आती है? अगर मजे चाहती हो तो शर्माना कैसा? आ, 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 तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही टाइट हो गया है? गाइस, देखो ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही है। देर किस बात की है? देखा मैंने क्या कहा था? देखो देखो कैसे मजे ले रहा है। ये क्या हुआ? ओह नो, ये हो क्या रहा है? बेनी, इसे कोई ले चलो यहाँ से। बंद नहीं हो रहा ये। ये देखो, कुछ करना पड़ेगा। इसकी गर्दन। एक्चुअली हुआ क्या है? मैंने कुछ सेंसर्स बदले हैं, लेकिन इन बेवकूफों ने ऑनलाइन आने से पहले ही प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। जरा रुको, ओके? शायद इससे काम बन जाए। मैंने तो सोचा था टॉम, इससे कोई फिजिकल डैमेज नहीं होगा। हाँ, मैंने कहा था ना, ये बेकाबू हो गया है। देखो, ये कटआउट बंद हो गया है। ये बस मसल स्पैम हो सकता है, मगर वो जिंदा है, हम उसे बाहर ला सकते हैं, हमें बस उसे ढूंढना होगा। तो कहाँ है वो? अरेना शिफ्ट हो रहा है। टॉम, ये अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड? साइंस अप्लाई करने की बात है। अप्लाई करने पर जवाब मिलता है। Fuck. What's he saying now? Staring at it, mate, and do something. Come on, please. I'm sorry, Penny. हम इसे सीधे बंद क्यों नहीं कर सकते? पहले प्रोग्राम बंद करना जरूरी है, और प्रोग्राम बंद करने से पहले प्लेयर्स को बाहर निकालना होगा, और प्लेयर्स निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए वो कहाँ है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है जेस, प्रोग्राम का बंद हो जाना, गायब हो जाना, और ये जख्म, वो यहाँ पर है। यहाँ पर है वो। कौन है? उसके दिमाग में बैठ गया है कि यहां पर कोई प्रेत आत्मा है। वहां नीचे जरूर कुछ तो है।
विक, तुमने कुछ अजीब महसूस किया था। मैंने उसे पहले ही कहा था हमें वहां नीचे नहीं जाना चाहिए। यकीन नहीं हो रहा है ना, इसे पूछ कर देखो। तुमने वही विंग क्यों चुनी टॉम? तुम सब जरा शांत रहो। पहले ये बताओ कि तुमने यहां आने के लिए हमें क्यों फोर्स किया था? हमें फोकस करना है पेनी पर। नहीं, हमें जानना है कि ये सब क्या है। टॉम, अब बहुत हो गया। टॉम, घुमा फिरा कर बात मत करो, कोई बकवास नहीं चाहिए। सीधे बताओ ये सब क्या हो रहा है। हमसे शायद कुछ एनोमली अपलोड हो गई। किस तरह की अजीब बात? उसका मतलब भूत से है, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था? मतलब ये कि अनआइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ एनर्जी जिसने सिस्टम करप्ट कर दिया। तुमने इसे कैसे अपलोड किया टॉम? देखो, अभी पेनी को यहां से बाहर निकालना सबसे जरूरी है। हम उसे ढूंढ लेंगे। हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं बताओ टॉम? किसी को वहां जाना होगा। वहां पर अभी ओके, मैंने उसे भेजा तो मैं ही लेकर आऊंगा। विक, वहां पर दुश्मन है और तुम्हें लड़ने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो इस जगह को अच्छे से जानता हो, वो इसे चेंज भी कर सकती है। तुम आओगे? ओके टॉम, क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? बेनी को ढूंढने के लिए हमें उस औरत को ढूंढना होगा। जाहिर है हम किसी कंप्यूटर हमलावर की बात नहीं कर रहे हैं, उससे कैसे लड़ा जा सकता है? उसके लिए तुम्हें एक स्पेशल वेपन चाहिए होगा और मेरे पास वो है। इमोबिलाइजर। इमोबिलाइज कैप्चर ड्रैग बिंगो। तुम इस अजीब शक्ति का सामना करने के लिए तैयार थे? अब क्या कहूं, बचपन से ही ऐसा हूं। ऑथराइजेशन स्टैगर्ड 750X02। नया ट्रेनिंग सिमुलेशन ले रहा हूं। एक मोबाइल सिग्नल को ट्रायंगुलेट करना जरूरी है। मैं तुम्हें अंदर भेज रहा हूं। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन है, दुश्मन को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। अपने हथियार चेक करो। गुड लक। या बढ़िया है। बुप्पा, यस। ईएन, क्या बात है, अपने हथियार लो, अब चलो। ठीक है, इस तरफ। लास्ट मैन डाउन, राइट की तरफ जाओ। ऐसा लग रहा है कि बरसों के बाद आ रहा हूं। आवाज मत करो, सिर्फ डायरेक्शन देते रहो। ओके, अपने सामने वाली सीढ़ियों की तरफ। कौन सी सीढ़ियां? तुम्हारे बिल्कुल सामने वाली सीढ़ियां। इयान, कौन सी सीढ़ियां? ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। कहां चली गई? तुम नीचे नहीं जाना चाहते हो क्या? कम ऑन, जल्दी करो। नहीं, देखो तुम, मैं यहां सैकड़ों बार आ चुका हूं, हजारों बार आ चुका हूं, और वो सीढ़ियां यहीं पर थी। बिल्कुल सही। किस बात का इंतजार कर रहे हो? ठीक है, मैं इस तरफ जाकर देखती हूं, तुम बाकी सेल्स चेक करो।
नहीं 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 वे क्या हो? जेस, वो अचानक गायब कहां हो गई? ओह नो, नो। वो तुम्हारे पीछे, पीछे देखो। चीखना चिल्लाना बंद कर दो तो अच्छा होगा। शट अप, बेनी, जेस। बेनी। जेस। ओह, ओह, चली जाओ, वो यही है वो। It's all right, बेनी, it's all right. वो, यही है। सब ठीक है। It's all right. अपने आप को संभालो बेनी। अपने आप को संभालो बेनी। वो आ रहे हैं। मदद। वो आ रहे हैं बेनी। मेरा टॉप स्कोर हुआ कि नहीं? क्या? मैं जीता कि नहीं? बेनी मेरी बात सुनो। तुम जख्मी हो। ये बहुत मजेदार है। तुम बस बस तुम कुछ मत बोलना ओके? जबरदस्त है। माइक्रोचिप की अपनी दुनिया है। बिल्कुल सच लगती है। बिल्कुल किसी की मौत हुई है?
बेनी, ओह नो, मुझे बस थोड़ा सा वक्त, तो मेरे पास एक प्लान है। नहीं, फिर से नहीं। शक्स। मुझे बताओ, इसे किस तरह का गेम कहते हो तुम? तुम मेरी बात सुनो टाइगर, तुमने अभी सिग्नल बूस्ट काट दिया है। जब तक मैं रिकनेक्ट ना करूं, वो अंदर ही फंसे रहेंगे। वो पहले से ही खतरे में है, तुमने और उलझा दिया। नहीं नहीं नहीं, छू मत। ये सबके बस की बात नहीं है। पता था तुम कॉम्बैट हैंडल नहीं कर सकती छोटी, तुम तो एक गेम तक हैंडल नहीं कर सकती। नहीं, वो भी सिस्टम ही है। वो यहाँ है। तुम जल्दी हो, बताओ कहाँ है वो? जिस बंद है, तुम सिमुलेशन से बाहर हो। ओह नो, टॉम, वहाँ एक औरत थी, उसने मैंने को मार दिया। कैसी थी वो? क्या मतलब है कैसी थी वो? वो बिल्कुल ईविल थी। मैं जानती हूँ अजीब लगेगा, मगर वो मेरे दिमाग में घुस गई थी। पता है, ऐसे जैसे कि जैसे उसकी मेमोरी मेरी हो गई हो।
ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जुड़ गई थी उससे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वही तो सब कुछ है। ये भी वहाँ था। This is crazy. जागृत? हाँ। कहाँ? मुझ पर हमला किया उसने। I mean, उसने उस पर हमला किया। हाँ, वो वही चाहती है। बदला। वो उन्हें जरूर मार देगी। वो अब तक बाहर क्यों नहीं आए? टॉम, वो अब तक सिम से बाहर क्यों नहीं आए? जरा बताओ। तुम उनके जैसी पूरी तरह से गेम में नहीं थी। अब अगर उन्हें अभी बाहर नहीं निकाला गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये लो, इससे जाकर फिट कर दो। ये लाइट्स बंद कैसे हो गई? एक्सट्रैक्शन टीम होगी, उन्होंने बंद किया होगा, उन्हें वैसी आदत है। नहीं, कोई टीम वीम नहीं है यहां पर, सिर्फ हम हैं। हम यहां फंस गए विक। रुको, वहां पर कुछ तो है। वहां कुछ भी नहीं। ओके लेन, प्लीज अपने आप को संभालो मेरे दोस्त। Come on. Guys, hold on. मैं कुछ करता हूं। क्या वो तुम्हें मिले? ये रिबिल्ड हो रहा है। हमारे लिए पूरी की पूरी दुनिया गायब हो चुकी है। सुनाई दिया तुम्हें? सुनाई दिया ना तुम्हें? सुनो उसे दोस्त, ठीक से सुनो। हेलो, जेस, बेनी, कोई है? उनके बारे में सोचकर अब कोई फायदा नहीं है। वो क्या था लेन? हे, ओह नो मैन, तुमने ये जानबूझकर किया? हाँ, मेरे दिमाग में एक आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कि लेन सही था? ये क्या किया है तुमने? अब क्या होगा? आखिर वो है कौन? कोई एक आत्मा, जीव, भूत, चाहे जो कहो। I'm sorry, आखिर वो थी कौन? क्या पता, पर वो टाइगर को जानती थी तो उसे मरे हुए ज्यादा साल नहीं हुए होंगे। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। डूड, क्या हो रहा है यार? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ फाइल्स चेक करो। Okay, complete. बाहर निकालो उन्हें। ये कंप्लीट हो गया है, पर कुछ भी पहले जैसा नहीं है और वो मुझे दिख भी नहीं रहे। इस पागलपन को देखो, ये उसी का काम है। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। I know where they are. Put me back in. जो भी करना है जल्दी करो। जेस, अगर वो तुम्हें मिले तो उस पर बीम फोकस करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। टॉम, एक बात समझ लो, अगर वो मुझे मिली तो मैं उसकी वो चेन उसकी गर्दन में डालकर उसका गर्दन से सर अलग कर दूंगी।
एक पॉसिबिलिटी मिली है हमें। जल्दी बताओ। प्रिजनर के नाम से जानी जाती है, साइबर टेररिस्ट। उसे इस्तांबुल में कंपनी ने गिरफ्तार किया था 9/11 के तुरंत बाद। उसे इंटरोगेशन के लिए अनमार्क्ड जेट से यूके ले जाया गया। सीढ़ियों के नीचे चलो। उसे तुम्हारे वाली जेल में रखा गया। प्रिजनर के बारे में बताओ। आईएस पीड़ा के लिए काम करती थी, कमाल का आईक्यू था, बैंक हैक करती थी, फॉरेन टेरर, वो दुश्मनों को फंडिंग कर रही थी। उसके साथ क्या हुआ था, रिपोर्ट क्या है? वो बहुत ही खतरनाक औरत थी, एक गार्ड को मार दिया, इंटरोगेशन बिल्कुल बेकाबू हो गया। दोबारा वो टैगर्ड ही इंचार्ज था, मगर यहाँ कहा है कि उसकी मौत हो गई। तो अभी वहां क्या हो रहा है? मैंने एक होस्ट को पकड़ा है। एक होस्ट को? सही सुना तुमने, जैसे मैंने हमेशा कहा है, इस चीज को, इसको कॉन्शियसनेस है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे कारनामे कर सकती है, और ये हमारे कंट्रोल में है। टॉम, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, हम इसे चीफ से छुपा नहीं सकते, मुझे शट डाउन करना। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों अभी भी अंदर है। ठीक है, तुम्हारे पास 15 मिनट है उन्हें बाहर निकालने के लिए। तुम्हें वहां से सिमुलेशन को रन करना पड़ेगा, मैं अंदर जा रहा हूं। मैं अपने लिए एक होस्ट पकड़ने वाला हूं। ये कैसे मुमकिन है, तुम ऐसा कैसे कर सकोगे? मेरे पास वो है जो उसे चाहिए। चली गई, पता नहीं मुझे। ओ, क्या तुमने उसे मारा? ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आखिर ये क्या झमेला है? लेन मर चुका है, पता है, और मुझे लगा उसने तुम्हें ही मार दिया है। नहीं, ओके, इधर आ। Bloody hell are you? Hello, baby. Want a party? Yeah.
तेरा कोई मजाक है क्या है? हमें बस उस रोटुंडा तक जाना है, वो हमें वहां से बाहर निकाल सके। सच नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ एक गेम है। वो औरत वाकई में वहां थी, इसका मतलब लीन सही था। टॉम यही सोचकर आज यहां आया था कि वो उस भूत को पकड़ना है। क्या मुझे यकीन नहीं होता उसने ये कैसे किया। सब हुआ कैसे? हाँ, it's not supposed to happen. How'd that happen? She got what she wanted. उसे टारगेट मिल गया। अब तुम यहाँ की सफाई कर सकते हो। Come on, Vic. एक मिनट, ब्रैग, क्या तुम वहाँ हो? हाँ, तुमने शटडाउन किया था? हाँ, आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया। बेक, अब सिर्फ तुम्हें बैग में डालना बाकी। टॉम, टॉम, क्या? ये सब तुमने किया? हाँ, ये सब पागलपन भूत को पकड़ने के लिए। पागलपन? कैसा पागलपन? अरे मैंने अभी अभी साबित कर दिया है कि ये पागलपन नहीं है। मैंने अभी अभी मौत के बाद के जीव के साथ कनेक्ट किया है। तुम समझ रहे हो, ये नोबल प्राइज वाली बात है। ये चांद पर जाने से भी बड़ी बात। चांद पर पहुंचने की बात तुम शायद फर्श पर पड़ी लाशों को भूल रहे हो। स्वीटहार्ट, मगर मैं साइंस समझने वाले आदमी से बात कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरा इस्तेमाल किया? तुमने मेरे दोस्तों को मार डाला। उन्हें मैंने नहीं, उसने मारा। तुमने ही उन्हें वहां अंदर भेजा था, कमीने। चलो। वेक, 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 I'm sorry, मैं कसम खा कर कहता हूँ। जरा सोच कर देखो ये कितनी बड़ी बात है। कोई हक नहीं था टॉम, कोई हक नहीं था। Come on, Vic. Vic, मुझे बस एक मिनट दे दो। हाँ, जरा सोच कर देखो उस दुनिया के बारे में जहाँ सिर्फ साइबर स्पेस में ही वॉर होंगी। ना कोई इंसान मरेगा, ना कोलैटरल डैमेज होगा, सिर्फ करोड़ों पॉट्स दूसरे करोड़ों पॉट्स को मार देंगे। यही फ्यूचर है और मैं इसे वेलकम करता हूँ। और ये कमीनी औरत ऐसे वक्त सबसे खतरनाक हथियार बनेगी। हमें बस इस पर लगाम लगानी है, यानी इसे कंट्रोल करना है और बस हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शायद। चलो यहाँ से। हाँ, मगर मैंने अभी एक कीमती खोज को पकड़ा है। आप पागल कौन है? इन सब लाशों का क्या होगा? इन सबको दफनाना पड़ेगा। कम से कम कोशिश तो करनी पड़ेगी, लेकिन मैं सारी दुनिया को सब बताऊंगा। उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं इन कमीनों को अच्छा सबक सिखाऊंगा, सच में। तो अच्छी बात है। हे, जब तुम गायब हो गई थी तब मैंने सोचा मैंने तुम्हें खो दिया है। एनीवे, और मैंने जाना कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, और हमने कभी अपनी फ्यूचर की बात ही नहीं की थी।
ठीक है, पर मुझे नहीं लगता। नहीं जानता हूँ कि ये वक्त नहीं है, लेकिन हमें वक्त निकालना चाहिए। तुम जो करना चाहती करो, लेकिन हमें वक्त निकालना चाहिए। तुम जैसा चाहो। हाँ मैं भी चाहूंगी। यहां से बाहर निकलते हैं। ओके, हम बाहर आ गए, कुछ हंगामा करते हैं। ओ मेरा फोन, तुम्हारे पास है? नहीं। वो तुम्हारी जेब में कुछ है, जरा देखो। क्या ये जरूरी है? मेरी जेब भरी हुई थी। ओह नो, ये सब बदल गया है। नहीं वो कभी था ही नहीं। देखो हमारी जेब में कुछ नहीं है क्योंकि कंप्यूटर ने उसे प्रोग्राम ही नहीं किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम अब भी गेम में ही है चेस, सब कुछ आभास है, उसने हमें बेवकूफ बनाया। चलो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास। टॉम रुक जाओ। सक्सेस में शामिल होने का वादा है। नहीं मत करना, मेरी बात सुनो, ये उसकी चाल थी, हम अपनी गेम में ही हैं। ये इम्पॉसिबल है। नहीं 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 टॉम, वहाँ बाहर कोई दुनिया नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है, ये प्रोग्राम है और उसे वो चला रही है। नहीं, क्योंकि ये हमारे कपड़े हैं और हमने इन्हें गेम में अपलोड नहीं किए। टॉम वो हमारे दिमाग में घुस चुकी है और हमारे साथ खेल खेल रही है। नहीं टॉम, तुमने ब्लैक से बात की? ये नहीं हो सकता। अरे अब तो मेरा यकीन करो। आवाज कैसी थी? वो ड्राइव रेस कर रही है, उसे जो कुछ भी कनेक्टेड है वो सब मिट जाएगा। अपना इवैक्यूएशन पॉइंट कहाँ है? वो भी ऊपर है और वो उसे जानती है। Come on, Tom, चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। शिकार है। तुम समझने की कोशिश करो टॉम, वो हमारी याददाश्त मिटाने की कोशिश कर रही है। चलो जल्दी करो। वो वहाँ ऊपर है। हमें भी वहीं पर जाना है। चलो कम ऑन। कहाँ पर? तुम हमें बताओगे नहीं कहाँ पर? वो आ रही है। इवैक्यूएशन पॉइंट कहाँ? ओह नो, फॉरेस्ट बनिए। कहाँ? बताओ हमें कहाँ? खुल जाएगा। जल्दी से कुछ उसे ब्लैक में डाल दिया जाए तो वो मिट सकती है। नहीं मैं देखता। जस्ट तुम उस तरफ जाओ।
लगता है जन्नत में आ गए। कुछ याद है हम यहाँ कैसे पहुंचे? क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। ओह ये लगता है जैसे हजारों साल बीत गए हैं ना। हे, अभी तो कई साल बाकी है। बैग, सब ठीक है। वो कहाँ है? जिंदा बचे लोग कहाँ हैं? उन लोगों को हमने होल्डिंग एरिया में रखा है सर। अपलोड फाइल का क्या करना है? टॉम ने कुछ कैद कर रखा है। वो खाली है सर। एक मिनट रुको सर, कुछ गड़बड़ है। अब फायरवॉल को तोड़ा गया है सर। सबको फौरन वहां से बाहर निकालो। Get him the fuck